हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हो आप लोग आई एम गुलाबसा योर मेंटोर एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू अनदर सेशन ऑफ आर बी आई टू फोर सेवन वे बाय ऑन ऑल्टरनेट बेसिस वी डिस्कस इम्पॉर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड दिस फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले ये हमारा लाइव स्केड्यूल की क्लासेस लाइव क्लासेस के स्कड्यूल हैं आप इसको हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं उसके अलावा इफ़ यू हैव नॉट स्टिल गेट डाउनलोडिड आर ऐप यू कैन डू सो बाय गोइंग ऑन टू द गूगल प्ले स्टोर सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट और अ चेंज मेड बाय सेबी तो सेबी हैज़ रिसेंटली ट्विस्टेड द इन्वेस्टमेंट नॉम्स इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स प्राइमरीली रिगार्डिंग द प्राइवेट इक्विटी एंड द फॉर्म्स अब देखो अब तक हमने यही पढ़ा था कि एफ डी आई आ रहे हैं एफ पी आई होते हैं नाउ दॉल्ड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ओ डी आई भी एक चीज होती है ना एफ डी आई एफ पी आई का मतलब तो आप सबको पता होगा दीज आर समय एन अरेनर इन्वेस्ट समथिंग इन इंडिया बट इन केस ऑफ ओ डी आई इंडियंस आर इन्वेस्टिंग इन फॉरन और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे अगर इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं देट आर नॉन एस ओ डी आई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स और ये बहुत सारे तरीकों से हो सकते हैं प्राइवेट इक्विटी के थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू अब आप बोलोगे ये टर्म्स क्या हैं सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस टर्म्स इन द कमिंग स्लाइड्स पहले देख लेते हैं क्या चेंजेस किए हैं सेबी ने इन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में तो रिसेंटली सेबी ने दो नॉर्म्स को रिलैक्स किया है द फर्स्ट नॉर्म इज़ रिगार्डिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एंड दी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स ये क्या अमेंडमेंट है द अमेंडमेंट इज दैट अर्लियर अब तक ये था कि जितने भी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म्स हैं इंडिया के देविर अलाउड टू इन्वेस्ट इन सम फॉरन एंटिटी फॉरन एंटिटी में वो इन्वेस्ट कर सकते थे बट ओनली इन दोज कंपनीज दैट हैव अ इंडियन कनेक्ट उनका कुछ इंडियन कनेक्ट होना ही चाहिए था तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो मे बी बाई वे ऑफ ए सब्सिडरी सपोज इंडिया की कोई कंपनी है और वो यूएस में उसकी सब्सिडरी फंक्शन कर रही है देन इंडियंस केन इन्वेस्ट देयर एज अ प्राइवेट इक्विटी और एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट फार्म प्रोवाइडेड इट इज ऑफ अ सब्सिड्री ऑफ दैट इंडियन कंपनी आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए बट अब क्या है इस जो ये कंपल्शन था कि इंडियन कनेक्ट होना ही चाहिए उसको सेबी ने हटा दिया है नाउ इवन इफ दैट कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया यू कैन स्टिल इन्वेस्ट थ्रू दिस प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स फंड्स ठीक है तो इवन इफ यू डू नॉट हैव एन इंडियन कनेक्ट यू कैन डू सो ये पहला मेजर ट्विक लाया है सेबी ने इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में द सेकेंड मेजर Changes that SEBI has introduced is regarding the principal proceeds. Suppose as a private equity firm, you invest a company XYZ company in US. Now it's the time for you to take to gain some profit and take back that money. So you much invest. Suppose 5 million Now that 5 million, once you get back that 5 million after earning profits or whatever, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल जो आपने लगाया उसका प्रोसीड्स इफ यू आर रिसीविंग दैट प्रोसीड्स बैक यू कैन यूज दैट फॉर री इन्वेस्टमेंट ठीक है अब पहले के नॉर्म्स देख लेते हैं और रिसेंट क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं तो पहले या अब तक ये था कि कलेक्टिवली जितने भी इंडियन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ए क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बेसिकली कि वो फंड्स होते हैं नाम से ही क्लियर है दिज आर ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव टू योर बैंक लोन्स यूजुअली जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है हम बैंक से लोन लेते हैं अगर हम बैंक से नहीं लेकर किसी और तरीके से पैसे रेज कर रहे हैं दैर आर नोन एज़ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कुड बी योर इक्विटी शेयर्स योर डेट या फिर आप प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म्स के थ्रू अगर पैसा रेज कर रहे हो या इन दैट केस आपने कुछ चीज़ लीज पे लिया तो ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट योर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बहुत लंबी एक लिस्ट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की उसको अभी हम देखेंगे और समझेंगे ठीक है नाउ और दूसरा ये था कि कलेक्टिवली जितने भी इंडियन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं या कंपनीज हैं दे कुड इन्वेस्ट ओनली अप टू वन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर्स अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हो किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बस 1.5 बिलियन डॉलर्स तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड उसमें एक कैप भी लगा दिया था बाय आरबीआई आरबीआई ने क्या कैप लगाया था दैट ईच इंडिविजुअल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी कुड इन्वेस्ट ओनली अप टू ट्वेंटी ऑफ द इंडिविजुअल पॉर्पज इसको आप ऐसे समझो सपोज इंडिया में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर पांच लोग हैं ठीक है पांच लोग हैं इसके पास है सपोज टेन लैक्स वन लैख फाइव लैक्स ट्वेंटी लैक्स एंड फिफ्टी लैक्स सपोज या हंड्रेड लैक्स मान लो ठीक है अब सपोज अब यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट का क्या मतलब हुआ अगर ये चारों एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं देन दैट शुड नॉट एक्सीड योर वन पॉइंट फाइव बिलियन लिमिट सेकेंडली इसके पास दस लाख रुपए हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट वुड बी हाउ मच टू पॉइंट फाइव लाख तो दिस पर्सन दिस फर्स्ट कंपनी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिनके पास हैं दे कैन इन्वेस्ट ओनली अप टू टू पॉइंट फाइव लाख रुपीज इससे ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते अब आप सोचो कि ऐसा रूल क्यों था टुगेदर 1.5 बिलियन बता रहे हैं बट इंडिविजुअली किसी कंपनी के सपोज वन लाख ही है ये बस पच्चीस हजार रुपये इन्वेस्ट कर सकता है ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्यों ऐसा इसलिए बिकॉज आर बी आई डि नॉट वॉन्टेड टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन आर रुपी सपोज करो बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर जा रहे हैं राइट right? अब बाहर कैसे जाएगा रुपी में तो जाएगा नहीं यू विल भी डिमांडिंग डॉलर्स उसके लिए आप रुपी की सप्लाई बढ़ा दोगे रुपी को बेचोगे तभी तो आपको डॉलर्स मिलेंगे तो वंस यू सेल योर रुपी यू आर एक्चुअली द होल प्रोसेस विल एंटायरली रिजल्ट इन डेप्रिसिएशन ऑफ योर रुपी तो so डेप्रिसिएशन होगा आपकी रुपी की तो so इसको ना होने के कारण आर ने ये कैप लगाया था दैट ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर इंडिविजुअल फंड कॉर्पस विल बी अलाउड टू बी इन्वेस्टेड इन ओवरसीज इन आई होप आपको ये क्लियर हो गया इसके पीछे का लॉजिक बट अब इस चीज को हटा दिया गया है और ये जो 1.5 बिलियन की जो लिमिट है इसको भी हटा दिया गया है बिकॉज ऐसा देखा गया है कि दिस लिमिट हैज़ ऑलरेडी बिन ब्रीच तो अब दीज ऑवर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज और इंडिविजुअल्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कैन इन्वेस्ट मोर देन 1.5 बिलियन ठीक है प्लस वो जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इफ़ दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम दैट बिजनेस अगर वो एग्ज़िट करते हैं उस बिज़नेस को बाय अर्निंग प्रॉफिट ऑब्वियसली देन दैट मनी कैन नाउ बी अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट दै केन यूज दैट मनी फॉर री इन्वेस्टिंग अगेन इन सम अदर प्रोजेक्ट्स और एनी प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन चॉइस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सपोज करो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपने दस मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे या दस डॉल दस मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे एंड नाउ यू आर एग्जिटिंग द फॉर्म किसी आपने नए कंपनी में इन्वेस्ट किया था प्राइवेट कंपनी में नाउ यू हैव अर्न सम गुड रिटर्न एंड यू आर एग्जिटिंग विथ ट्वेल्व मिलियन इस ट्वेल्व मिलियन में आपका कितना प्रिंसिपल है प्रिंसिपल इज टेन मिलियन राइट एंड इंटरेस्ट इट इंटरेस्ट विल बी टू मिलियन दिस टेन मिलियन इज़ नाउ अवेलेबल फॉर यू टू री इन्वेस्ट ना यू कैन री इन्वेस्ट दिस मनी इस तरीके से नाउ दे दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड मोर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दिस ए आई एफ सो दैट दे कैन हैव मोर ऑफ द रिटर्न आई होप आपको ये समझ आ गया होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या हैं सो so, जैसे मैंने आपको ब्रीफली बताया था दिज आर दो फंड विच आर नॉन बैंक अगर आप बैंक के थ्रू ना लेके किसी और तरीके से पैसा रेस कर रहे हो

ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं ठीक है अब इनमें से हम थोड़े बहुत को देखेंगे अभी समझेंगे एंड रेस्ट यू विल स्टडी ऑन योर ओन इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द दमेंट सेक्शन ऑल्सो वी हैव अ डिसकशन फॉरम वे यू कैन पुट इन योर डाउट्स ठीक है लीजिंग आप सबको पता है लीज क्या होता है आपने सुना भी होगा दैट अ पर्सन प्रोवाइड्स यू विद सर्टन लैंड और से एनी थिंग अ मशीनरी और एनी फाइनेंशियल एसेट टू यू फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम नाइन्टी नाइन ईयर्स के लिए आपको दे दिया एंड यू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दैट मनी कुड बी पेड इधर एनुअली आप हर साल उनको वो पैसा पे कर रहे हो आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम या फिर आपने शुरुआत में ही कुछ पैसे पे कर दिए सपोज फाइव लैक्स यू पेड एंड यू गॉड दिस लैंड फॉर अराउंड ट्वेंटी फाइव ईयर ऐसा कुछ तो पेमेंट कुड बी बोथवेज इट कैन बी वन टाइम और इट कैन बी सबसिक्वेंट पेमेंट इज लीज क्या होता है ये एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ यूजर एंड द ओनर ऑफ द एसेट वेयर बाय यू द ओनर ऑफ द एसेट हैंड्स ओवर द कीज टू द यूजर ऑफ द एसेट इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी दैट कुड बी पीरियोडिक और वन टाइम पेमेंट आई होप आपको समझ आ गया नाउ आई सी ए आई हैज ऑल्सो डिफाइंड लीजिंग अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्म नाइनटीन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइनटीन का जो है वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है एंड यू कैन रीड इट आउट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अब ये जो लीज़ है ये दो तरीके का हो सकता है एक आपका ऑपरेटिंग लीज़ हो जाता है एक आपका फाइनेंसिंग लीज हो जाता है फाइनेंसिंग लीज, लीज नाम से ही क्लियर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें कोर्स में अब ऑलरेडी एक्सप्लेन है और या जब भी आपका फाइनेंस का कोर्स स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे बस एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं चीज़ों की ना लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हायर परचेज अब हायर परचेज क्या होता है हायर परचेज का भी कंसेप्ट लीजिंग वाला ही है बट विद अ डिफरेंस अ मेजर डिफरेंस क्या है इनमें कि यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हो तो हायर परचेज में क्या होता है सपोज देर इज अ पर्सन ए एंड अ पर्सन बी ए इज द सेलर ठीक है या ओनर ऑफ द एसेट इसके पास भी एक एसेट है मान लो एक मशीनरी है इसके पास राइट ही यज अ मशीनरी दिस पर्सन द बायर वॉन्स दिस मशीनरी ये ओनर क्या करेगा ये मशीनरी इसको दे देगा पोजिशन दे देगा इस मशीनरी की कि आप यूज करो बट इसके बदले यू नीड टू पे मी मनी बट टिल टाइम द बायर डज नॉट पे दास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता ये एसेट इसी सेलर का कहलाएगा वंस ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट द एंटायर मशीनरी विल बी हिज। अब पोजिशन के साथ इसको ओनरशिप भी पास कर दी जाएगी जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं करता इंस्टॉलमेंट का ऑनरशिप सेलर के पास रहेगी वंस ही मेक्स द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट देन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट देन दी ऑनरशिप विल बी पासड ऑन टू दी बायर ठीक है तो ये होता है हायर परचेज जबकि लीज में क्या होता है लीज में एसेट्स ट्रांसफर पोजिशन ट्रांसफर हो जाती है ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती लीजिंग में हायर परचेज में ऑनरशिप इज ट्रांसफर वांस यू पे यू पे दास्ट इंस्टॉलमेंट इसके अलावा अगर आप पेमेंट अगर आपको पेमेंट नहीं करना आगे इफ़ यू डो नॉट वॉन्ट टू पे इट फर्दर देन यू कैन सिंपली रिटर्न दी एसेट ऐसा भी आप कर सकते हो सो यू हैव दी ऑप्शन टू इधर रिटर्न द गुड जब आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे और एल्स यू कैन कीप दी एसेट प्रोवाइडेड यू हैव मेड ऑल द इंस्टॉलमेंट पेमेंट ये हो गया आपका हायर परचेज ये भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है बैंक के पास ना जाके आप ऐसे किसी मशीनरी ऑनर से आपने ये अग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट ये अरेंजमेंट कर लिया लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी फाइनेंसिंग इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है इक्विटी फाइनेंसिंग नाम से ही क्लियर है यहाँ पे इफ़ यू आर अ कंपनी अगर आप एक कंपनी हो आप अपने कंपनी का कुछ हिस्सा इंसान को दे किसी और को दे देते हो यू यू ट्राई टू गिव अ पोर्शन ऑफ योर ऑनरशिप टू पर्सन एंड इन रिटर्न यू गेट मनी अब इक्विटी फाइनेंसिंग में पिकुलर चीज़ क्या है अब जिस बंदे ने सपोज पर्सन ए को आपने कुछ ऑनरशिप दिया फाइव परसेंट ऑनरशिप आपने अपने कंपनी का पूरे हिस्सेदारी का पाँच परसेंट आपने ए को दे दिया कंपनी ए को दे दिया नाउ द कंपनी ए विल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट सॉरी जो भी प्रॉफिट होगा इस कंपनी की उसका पाँच परसेंट इस इंसान को इस कंपनी को मिल जाएगा कंपनी ए को बट जो प्रिंसिपल उसने इस कंपनी को दिया होगा इस पांच परसेंट स्टेक के बदले जो कंपनी ए ने पैसे दिए होंगे वो पैसे उसको नहीं मिलेंगे ठीक है तो इट्स अ काइंड ऑफ परमानेंट इन्वेस्टमेंट यू जस्ट गेट द प्रॉफिट या फिर आप क्या कर सकते हो यू कैन सेल योर शेयर्स। आपके पास जो भी आपकी ऑनरशिप है आप उसको बेच के देन यू कैन गेट बैक द प्रिंसिपल और व्हाट अमाउंट अब इक्विटी फाइनेंसिंग भी दो तरीके की होती है वन इज़ योर पब्लिक इक्विटी पब्लिक इक्विटी में क्या होता है थ्रू आई पी ओ यू ट्राई टू परचेज सर्टन शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड यू पार्टिसिपेट इन द प्रोफिट मेकिंग ऑफ दैट कंपनी ठीक है और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हो सेकेंड इज योर प्राइवेट इक्ट तो यू हैव पब्लिक इक्विटी थ्रू आई पी ओ एंड प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट इक्विटी बाय द नेम इट्स सेल्फ सजेस्ट कि ये किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होता जैसे पब्लिक इक्विटी में जब आई की बात कर रहे हैं दिस आई पी ओ आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस पर इन केस ऑफ प्राइवेट इक्विटी दे आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइडेड दिज आर सर्टन प्राइवेट फर्म्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड यू ट्राई टू परचेज और एक्सचेंज अ पोर्शन ऑफ देअ ऑनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ सर्टन मनी तो so, ये रहा हमारा प्राइवेट इक्विटी अब प्राइवेट इक्विटी सो आर थ्री कंसेप्ट प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड्स एंड देन वी हैव एंजल इन्वेस्टर्स ये तीनों होते क्या हैं तो so, ये डायग्राम आपको क्लियरली बता देगा सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्क रिटर्न एंड द स्टेज ऑफ द बिजनेस दैट यू आर हैविंग इफ यू आर एट द वेरी इनिशियल स्टेज एकदम इनिशियल स्मॉल एंटरप्राइज है कोई आपके पास प्रूफ ऑफ़ रेवेन्यू नहीं है आपने कुछ रेवेन्यू नहीं कमाया कुछ प्रोफिट नहीं कमाया यू आर जस्ट एट द इनिशियल स्टेज तो उस टाइम पर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दोज़ आर नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होती है रिस्क इज दाइएस्ट है एंड हेयर द रिस्क इज़ दोवेस्ट इन कंपेरिजन ठीक है सिमिलरली रिटर्न की बात करें जहाँ रिस्क ज़्यादा रिटर्न भी वहीं ज़्यादा होगा राइट right? और यहाँ पर कम होगा तो रिस्क रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा होते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं रहता इट इज़ जस्ट द नेसेंट स्टेज यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स आपके यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ह्यूज सम इन्वेस्ट करते हैं फिर आते हैं हमारे वेंचर कैपिटल यहाँ पे बिजनेस दोज आर आस्किंग फॉर द वेंचर कैपिटल फंड दे हैव सर्टन फॉर्म ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कुछ रेवेन्यू है कुछ उन्होंने प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया है ऑल ऑफ दीज विल कम अंडर वेंचर कैपिटल और यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट मनी एंड दे टेक ओवर द मैनेजमेंट आल्सो मैनेजमेंट को ले लेते हैं मैनेजमेंट संभालते हैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को करते हैं सो दैट प्रॉफिट्स कुड बी इंक्रीज ऑफ दिस कंपनीज ठीक है तो ये एकदम नेसेंट स्टेज पर हो गया ये इनका जब इन्होंने शुरुआत ही किया है प्रॉफिट अर्न करना रेवेन्यू अर्न करना तो एट दिस स्टेज द वेंचर कैपिटलिस्ट सीज कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है तो वो पूरी मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेता है एंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन जैसे उसको ठीक लगता है मैनेजमेंट संभालता है एंड ट्राइज टू मेक प्रॉफिट और जब अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है देन इट ट्राइज टू एग्जिट फ्रॉम दिस म दीज आर नोन एज योर वेंचर कैपिटलिस्ट देन वी हैव द प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट इक्विटी एकदम लेटर स्टेज में आता है जब कंपनी आपकी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है एक्सपैन कर रहा है एंड द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द प्राइवेट इक्विटी इज योर आई पी ओ जब आप फाइनली लिस्ट हो जाते होल ऑफ दिज केसेज में यू आर नॉट इवन लिस्ट ऑन एनी ऑफ देंजेस प्राइवेट इक्विटी में और वेंचर कैपिटल में क्या फॉर्म डिफरेंस uh, है ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड योर बिजनेस और यू आर ट्राइंग टू लुक एट दवेंस पार्ट आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो कर रहे हैं और ये प्राइवेट इक्विटी आपको हेल्प करता है लिस्ट करने में आई एंड देन थ्रू दिस आई ओनली दे ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम योर इन एक्सचेंज ऑफ ह्यूज सम ऑफ प्रॉफिट और मनी आप तो ये हो गया तीन स्टेजेस और आई एन आई होप आपको ये डिफरेंस याद रहेंगे एंजल इन्वेस्टर्स एकदम इनिशियल नेशनल स्टेज पे जहाँ पे कोई प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कोई प्रूफ ऑफ रेवेन्यू कुछ भी नहीं है वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़ा सा शुरू हुआ है प्रॉफिट आपने थोड़ा बहुत कम मोर और लेस शुरू ही किया आपने रेवेन्यू प्राइवेट इक्विटी इक्विटीश पीपल है मैनेजमेंट पे ध्यान देगा ये वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट इक्विटी विल कीप अ ट्रैक ऑफ गवर्नेंस पार्ट एंड फाइनली हाउ डू दे एग्जिट थ्रू आई लॉन्च योर शेयर मार्केट दे एग्जिट फ्रॉम योर बिजनेस तो ये है तीनों का इसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है तो दे परचेज एन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड दे हेल्प यू डेवलप एंड एक्सपैंड फर्दर ठीक है और यहाँ पे इनकी जो रिटर्न होती है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल द थ्री यहाँ पे सबसे कम होती है और यहाँ पे दे ट्राई टू गेट द जो इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है आई उसको ये कमाने की कोशिश कर रहे है, होते हैं

उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते वेंचर कैपिटल्स जो कंपनी बहुत ही यंग है अभी प्राइवेटली हेल्ड बस अभी शुरुआत ही किया है इन्होंने कि मैनेजमेंट को वो अपने हाथ में लेते हैं देन दे ट्राई टू इंक्रीज एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस ठीक है सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन फॉर टुडे क्योंकि सिंपल न्यूज़ था आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था मे बी इन द नेक्स्ट सेक्शन विल कम with questions based on this as well as whatever we'll discuss in the other section i hope you liked the session this was all for today thank you keep learning and bye-bye